वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस, मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और आप पिंगमी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2022 का वीडियो नंबर 10 है और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन डोमेन एंड लॉग इन यूजर इन सर्वर 2022। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा कि हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू क्रिएट ग्रुप एंड हाउ टू क्रिएट OU, तो उसमें लास्ट वाले वीडियो में हमने जो यूजर क्रिएट किए हुए थे वो हमने अभी लॉगिन करा के नहीं देखा था, ना ही हमने लॉगिन कराए थे। तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाउ टू ज्वाइन डोमेन। तो आज के वीडियो में हम वही यूजर ज्वाइन कराने वाले हैं, लॉगिन कराने वाले हैं जो आपने लास्ट जो हमारा वीडियो था उस पर क्रिएट किए हुए थे यूजर। एंड तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की साइड और देखते हैं हाउ टू ज्वाइन डोमेन एंड विंडो सर्वर 2022 में। ओके गाइस, तो हम अपनी लैब में आ चुके हैं और ये हमारे विंडोज़ 8.1 की मशीन है। ओके, तो हम इसको डोमेन ज्वाइन कराने वाले हैं अपने सर्वर से। तो पहले हम सर्वर का आईपी पिंग कर लेते हैं, CMD जो हमारा आईपी था, पिंग 10.0.0.9 हमारे सर्वर का आईपी है -T। ओके, तो हमारा पिंग प्रॉपर आ रहा है। अभी इसमें कोई पासवर्ड सेट नहीं है तो हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। मैनेज में जाते हैं, मैनेज में जाने का एक और ऑप्शन है, कमांड में आपको बता देता हूँ, CompMGMT.msc। ओके, हम मैनेज में आ चुके हैं। तो हम लोकल यूजर एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, ये कुलदीप दीक्षित का हमारा यूजर है। इस पे हम सेट पासवर्ड प्रोसीड। ओके, तो हमारा पासवर्ड सेव, ये देखो ये दूसरा खुल गया, मैंने कमांड से खोल दिया था। तो ये पासवर्ड हमारा सेट हो गया। अभी हमें क्या करना है, डोमेन ज्वाइन कराना है। तो डोमेन ज्वाइन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, आपने अगर कभी कराया है, आपने पहले किसी भी प्रैक्टिकल किया है या आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको पता ही होगा कि दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे चेंज सेटिंग पे जाएंगे एंड यहाँ से डोमेन चेंज करेंगे। ओके, मैं इसकी कमांड भी बता दे रहा हूँ आपको सीधा डायरेक्ट जाने के लिए, sysdm.cpl, ये इसकी कमांड है, डायरेक्ट हम वहीं पहुँचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस डेस्कटॉप का नाम दे देते हैं, तो नाम है हमारा विंडोज़ 8 के नाम से दे देते हैं, नहीं विंडोज़ PC विंडोज़-PC दे देते हैं। ओके, यही हम चेंज पे जाएंगे और ये हमारा नेटवर्क नाम है, तो यहाँ पे भी हम वही देने वाले हैं विंडोज़ PC। ओके, नाम देने के बाद हमें क्या करना है, डोमेन पे जाना है। तो हमारा डोमेन क्या है, PMI.com। ओके, भी अकाउंट पासवर्ड मांगेगा तो हम पासवर्ड देंगे PMI/ADMINISTRATOR। ये हमें अपने सर्वर का पासवर्ड देना। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है, वेलकम टू PMI.com डोमेन। अब ये रीस्टार्ट होगा। ओके, रीस्टार्ट होने के बाद देखते हैं हम अपने यूजर को लॉगिन करा के। ओके, ये लॉगिन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे windowr.dsc.msc, तो यहाँ देखिए हमने एक डोमेन ज्वाइन कराया जो यहाँ पे देखो अपने सर्वर में यहाँ पे शो होने लगा है कंप्यूटर्स के अंदर कि आपने एक PC को ज्वाइन कराया जिसका नाम है windows-PC जो कि हमने रखा हुआ था। जब तक वो मशीन रिस्टार्ट हो रही तब तक हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी C drive के अंदर हम फोल्डर बना लेते हैं।
एक बना लेते हैं आईटी का और एक बना लेते हैं एचआर का। ओके, इन दोनों फोल्डर को शेयर करते हैं। शेयर, एडवांस शेयरिंग, आईटी परमिशन में हम ऐड करेंगे अपना ग्रुप, तो मैं यहाँ से यूजर हटा देते हैं, ग्रुप ले लेते हैं। तो हम करने वाले हैं आईटी। ओके, आईटी में हमने आईटी का ग्रुप ऐड कर दिया और इसको हम दे देते हैं फुल परमिशन कि इस ग्रुप के बंदे सब कुछ कर सकते हैं, एवरीवन पे नहीं देना है, केवल आईटी पे देना है। परमिशन हो गई है, अप्लाई, ओके। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी पे, क्योंकि बताया था ग्रुप हमेशा सिक्योरिटी के लिए ही हम बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐड कराएंगे अपने ग्रुप को। तो हमारा ग्रुप जो है वो है आईटी का, चेक नेम, ओके। तो इसे हम फुल कंट्रोल दे देते हैं, मॉडिफाई, डिलीट, यूजर जो कुछ करना चाहे कर सकता है, अप्लाई एंड ओके एंड क्लोज। एचआर पे भी यही करते हैं, एचआर पे केवल एचआर के ही यूजर को हम परमिशन देने वाले हैं। पहले शेयरिंग ऑन कर लेते हैं, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, ऐड में, अब यहाँ पे फिर से हम ग्रुप, यहाँ पे हम करते हैं एचआर, चेक नेम, ओके, अलाउ, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। देन सिक्योरिटी पे जाते हैं, फिर से हम यहाँ पे सिक्योरिटी पे हमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट एचआर कर लेते हैं, वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सारा फुल कंट्रोल इसको भी दे देते हैं, अप्लाई, ओके एंड क्लोज। तो हम क्या करते हैं, आईटी के फोल्डर में एक हम नोटपैड की फाइल बना लेते हैं, टैक्स डेटा के नाम से, डेटा ऑफ आईटी, बैक करते हैं और एक एचआर के अंदर बना लेते हैं। ये मान लो आपका कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है, उसका एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो डेटा ऑफ एचआर, एंटर, ठीक है, हमारा यहाँ से काम हो गया। अभी हम लॉगिन देखते हैं, हो गया क्या, ओके आ गया है। तो विंडोज़ पीसी पे लॉगिन हो रहा है, हम इसको करेंगे अदर यूजर, अदर यूजर पे PMI बैकवर्ड स्लैश राम, राम पासवर्ड हमारा क्या था, राम से ही हमने बनाया था कि हम राम से ही लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालते हैं, तो ये राम से लॉगिन हो रहा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सब पता ही होगा आपको कि अगर आप काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो हमने आईटी की यूजर पे परमिशन दी है और हमने एचआर की यूजर पे परमिशन दी है, और हमने यहाँ राम लॉगिन किया है जो कि हमारा आईटी का यूजर है। ओके, सर्वर का हम अपना एक बार आईपी वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे तो पता ही है आईपी कॉन्फिग 9 है। ओके, तो हम सर्वर के आईपी से इसको एक्सेस करने वाले हैं, राम हम लॉगिन कर रहे हैं,
ओके, हमारा राम देख रहे हैं कि आप लॉगिन हो गया है, तो हमें क्या करना है, अब हम सर्वर का आईपी डालेंगे यहाँ पे। तो किसी भी शेयर होल्डर को एक्सेस करने के लिए इंटर के ऊपर जो बैकवर्ड स्लैश होता है उसको दो बार टाइप करते हैं, और 10.0.0.9 या तो ये लिख सकते हैं या सर्वर का होस्ट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो फोल्डर हमारे सर्वर की साइड से शेयर हैं, HR और IT, इस सिसवॉल और नेट लॉगिन। जैसा कि हमने जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था, आपने वीडियोस देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो बताया था कि सिसवॉल का जो फोल्डर होता है ऑटो शेयर होता है, यह हर एक शेयर पर आपको मिलेगा, यह शेयर फोल्डर होता है। तो हमने क्या किया हुआ है, IT का यूजर लॉगिन किया, हम IT के यूजर पे जाएंगे तो डेटा की ये फाइल हमको देखने को मिल रही है, ओपन कर रहे हैं। तो हम अगर इसमें कुछ लिखना चाहें, मान लो लिख दिया और हम इसको सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास IT की फुल परमिशन है। अब हम बैक करते हैं, HR का फोल्डर ओपन करके देखते हैं क्या ओपन हो रहा है। ओके, ओपन हो रहा है। अभी हम इसको डिलीट करके देखेंगे तो ये डिलीट नहीं करेगा, ओपन तो हो रहा है लेकिन हमारे डेटा को डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि हमने जो परमिशन लगाई हुई है ना, वो IT के यूजर पे परमिशन लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं और IT के यूजर के अंदर जो फाइल हमने बनाई हुई है इसको हम डिलीट करके देखेंगे तो हो जाएगा क्या, और ये डिलीट हो गई देखो, क्योंकि हमने IT परमिशन लगाया हुआ था। अभी सेम अगर हम HR के यूजर को लॉगिन करते हैं, इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं, साइन आउट, साइन आउट। ओके, तो अदर यूजर करते हैं, अदर यूजर में PMI, ये क्या यार, ये किसका कौन सा यूजर था, HR का, एक सेकंड, विंडो और DS.MS, एक बार यूजर देख लेते हैं HR का कौन सा यूजर है, याद नहीं है यार, यूजर IT के अंदर HR पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज मेंबर्स रामा। ओके, तो हम रामा को लॉगिन करते हैं यहाँ पे, RAMA, पासवर्ड डालते हैं, तो हमारा रामा लॉगिन हो रहा है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, और इस पर जैसे ये लॉगिन होता है तो एक बार देखते हैं कि ये डिलीट करने दे रहा है HR के अंदर की फाइल या नहीं करने दे रहा है। ओके, ये थोड़ा VMware को एरर दे रहा है, मैं इसको कैंसिल कर रहे हैं क्या अभी। ओके ठीक है, तो इस पर हम अगर एक्सेस करके देखते हैं अपने सर्वर को, जैसा कि IT के यूजर पे देखा था बैकवर्ड स्लैश 10.0.0.9 इंटर, तो ठीक है IT का देखते हैं। IT में जो फाइल हमने डिलीट कर दी थी, फाइल नहीं बना सकते क्योंकि एक्सेस नहीं है IT का हमारे पास, बैक करते हैं, HR में जाते हैं, HR का देखते हैं, HR की फाइल वो हम ओपन भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, और कंट्रोल एस, ये सेव हो गई। अब हम इसको देखते हैं डिलीट करके, डिलीट हो रहा है क्या। ओके, तो मतलब हमने जो परमिशन लगाई है वो सारी कुछ सब कुछ सही से काम कर रही हैं, और हमारे जो प्रैक्टिकल हुआ है वो सब कुछ सही से हुआ है। तो जो कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।